हाय फ्रेंड, देखिए मारुति हाइब्रिड आर्टिगा है। इसका इग्निशन ऑन करने से देखिए इमोबिलाइजर का जो लाइट आता है, जो साबी का एक सिग्नल आता है, वो नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका हम कंप्लीट प्रोसेस हम मैनुअली कैसा चेक करें। तो स्कैनर जिसका पास नहीं है, मेरा पास स्कैनर है, स्कैनर से नहीं देखा, आपको मैनुअल चेक कराऊंगा। पहले तो मैं ये स्विच वगैरह खुल के चेक किया है, जो इधर का कॉपलर जला है कि नहीं। तो कॉपलर नहीं जला, तो कॉपलर भी ठीक है। तो साबिक इशू, मेन इशू हो गया आपको, शायद फ्यूज चला गया। तो फ्यूज किधर में रहता है, तो ये हम दिखाऊंगा आपको, फ्यूज किधर है, इसका कितना नंबर का फ्यूज है। फ्यूज कवर खोलिए, आप फ्यूज बॉक्स सिस्टम मिला लीजिए, तरफ का होगा। CPRRSR ए फ्यूज है, देखिए ए फ्यूज है, इधर में 10 नंबर का होता है, 10 नंबर फ्यूज है। मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर सेट करो, देखिए मैंने मल्टीमीटर में चेक किया, ठीक है सर, ठीक है सर, देखिए मल्टीमीटर में चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं। दूसरा फ्यूज एक तो दिखाओ, देखिए दूसरा ही हो रहा है, अभी वो दिखाओ, देखिए इसमें माइनस हो रहा है। फ्यूज कट चुका है, अभी हम इधर में 10 नंबर का दूसरा फ्यूज एक फुट चलेगा। ये देखिए दूसरा फ्यूज डाल रहे हैं, देखिए अभी लाइट आ रहा है, इंजन चेक लाइट भी आ गया और सभी स्विच का लाइट भी आ गया। देखिए ऐसा इग्निशन ऑफ किया, जो MI लाइट भी आ गया, बैटरी लाइट भी आ गया और सभी का लाइट भी आ गया। इसके एकदम इजी प्रोसेस है, जिसका पास स्कैनर नहीं है वो आराम से पहले फीचर्स के पहले ये चेक कर लीजिए। तो सभी का हेट है, एक गाड़ी अभी स्टार्ट भी हो रहा है, एक देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी अभी। थैंक यू, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल आइकन को दबा दीजिए, नया नया वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।